बच्चा लोगों, जब हम गवर्नमेंट बजट का रिवीजन करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं पहले वो ध्यान में रखना होगा, फिर मतलब हर एक पॉइंट से कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझना होगा, एंड देन उसके बाद बेटा फिर हम नए हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी रहेगी बेटा, दैट इज गवर्नमेंट बजट की मीनिंग। अब गवर्नमेंट बजट की जब मीनिंग समझनी है, अब सिंपल सी चीज है, एमसीक्यू क्वेश्चन आना है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो मतलब हमें वहां पर ये डेफिनेशन लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेशन से यानी इस पर्टिकुलर स्लाइड से एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो समझना होगा। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट बजट होता क्या बेटा? सो गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेशन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। मतलब बेटा गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, एनुअल इन द सेंस क्योंकि बेटा गवर्नमेंट हर साल बजट प्रिपेयर करती है, सो दिस इज व्हाई इट्स अ एनुअल स्टेटमेंट। पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ओके। दूसरी चीज बेटा, गवर्नमेंट बजट के अंदर होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, एस्टिमेशन लगाती है कि गवर्नमेंट को कितने रिसीट्स जनरेट होंगे एंड कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है। रिसीट का मतलब ये होता है बेटा कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ कहाँ से, तो वो हो गई गवर्नमेंट की रिसीट्स, एंड बेटा गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना कैसे कैसे है वो हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो बेटा गवर्नमेंट डिसाइड करती है यानी एस्टिमेट लगाती है कि कितना उनको रिसीट मिलेगा और उस रिसीट के बेसिस पे वो कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर यानी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आप ध्यान से देखें तो फिस्कल ईयर बेटा कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। बिल्कुल बेटा। सो द पॉइंट इज बच्चे, अब कुछ दो दो छोटी छोटी चीजें और समझनी है आप लोगों को। जो गवर्नमेंट के पास रिसीट्स होती है बेटा, रिसीट्स हमेशा दो टाइप की आएंगी। कौन कौन सी रिसीट गवर्नमेंट को आ सकती है बेटा? एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कौन सी रिसीट? ओके। सिमिलरली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी दो होंगे। पहला कौन सा एक्सपेंडिचर होगा एंड ऑफ कोर्स दूसरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सो गवर्नमेंट अपने टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेशन लगाती है, ठीक है, जो कि उनको एक फिस्कल ईयर में कंप्लीट होंगे। अब आपसे इस पर्टिकुलर स्लाइड यानी मीनिंग से अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है तो बेटा वो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होगा, अब मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले चीज, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा फिस्कल ईयर कब से कब तक का होता है, ओके, एंड बेटा दो टाइप के रिसीट कौन कौन से होते हैं, सिमिलरली दो टाइप के एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपको ध्यान से समझना होगा, सिंस गवर्नमेंट का जो बेटा एनुअल स्टेटमेंट है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, तो क्या गवर्नमेंट बेटा बजट 31 मार्च को प्रिपेयर करेगी? क्या एक दिन के अंदर पूरा का पूरा बजट प्रिपेयर हो जाएगा? नहीं हो सकता बेटा। इंडिया एक अच्छी खासी बड़ी कंट्री है और इतने सारे रिसीट्स इतने सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो बेटा हम लास्ट डे यानी 31 मार्च को हम सारी कैलकुलेशन यानी पूरी स्टेटमेंट एक दिन में नहीं बना सकते। इसीलिए बेटा गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करना कब से स्टार्ट करती है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी ऑफ ईच एंड एवरी ईयर, यानी फेब्रुअरी का इधर 28 या 29 डिपेंडिंग लीप ईयर के पॉइंट मतलब कॉन्सेप्ट पे। सो बेटा उसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, उसी दिन से स्टार्ट करती है बजट प्रिपेयर करना, एंड विद इन अ मंथ गवर्नमेंट अपना एनुअल स्टेटमेंट बजट का प्रिपेयर कर लेती है। बात समझ में आए सबको? ठीक है, चलो अब मैं ना कुछ कुछ बच्चों से पूछूंगा, जिन जिन बच्चों से पूछूंगा सिर्फ वो बच्चे जवाब देंगे, ठीक है। सबसे पहले जवाब देगा कौन, जवाब देगी जैसिका, नया बच्चा है इसी को रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। हाँ बच्चे, अब एक बात बताओ, रिसीट दो टाइप्स की होती है, कौन कौन से? शाबाश जयंत, दो टाइप के एक्सपेंडिचर भी होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा हर्षित से, हर्षित फाइनेंशियल फिस्कल ईयर कब से कब तक का होता है? फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। बहुत बढ़िया,
अब एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा जाएगा इस बार सार्थक से। सार्थक, हम बजट मतलब गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करना कब से स्टार्ट करती है? बहुत बढ़िया, पहले बताओ सारे बच्चे यहां तक क्लियर? चलो जी, अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगेन द सेम थिंग इज कि यहां पर बेटा आपसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि हमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझना होगा, ठीक है? सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट के टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, तीसरा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, पांचवा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, एंड एक और ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? लेकिन हमें ना इसकी डिटेल समझना काफी जरूरी है। अगर आप लोगों को डिटेल समझ में आ गया बेटा ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहली चीज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा रीएलोकेशन का मतलब ही क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इस चीज में ना आपको छोटे छोटे कुछ कुछ चीजें पॉइंट समझने होंगे बेटा, वो ध्यान से जरा सुनना आप लोग, ठीक है? एक सेकेंड, बस मैं एक ब्लैंक स्लाइड निकाल लूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखो होता है ये बेटा कि मतलब हमने ये चीज बचपन से आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि रिच बिकेम मोर रिचर एंड पुअर बिकेम मोर पुअर, ये वाला पॉइंट पढ़ा है आप लोगों ने ना। अब ये वो पॉइंट है बेटा जहां पर, अच्छा, जो कंट्री के अंदर बेटा इंडिया स्पेशली इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम फेस की जाती है। सो रीएलोकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी होती है या जो हमारी कंट्री के अंदर बेटा लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बेटा गवर्नमेंट अपना ये ऑब्जेक्टिव कवर अप करती है, यानी रीएलोकेशन यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है रिसोर्सेज का। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी रीएलोकेशन दो तरीके से होता है। पहला टैक्स कंसेशन, ठीक है, पहला पॉइंट टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज प्रोवाइड करना, या फिर दूसरा पॉइंट होता है बेटा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज का। दोनों पॉइंट्स को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बेटा। टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज का मतलब ये है बेटा कि जैसे हमारे जो ये इंडियन प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे खादी प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, या फिर बेटा हमारी कंट्री के अंदर जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं बेटा उन पे टैक्स ना लगे या टैक्स में हमें टैक्स रिड्यूस कर सके, या फिर बेटा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर जो गैस होता है हम उसे उन पे सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ये सारे काम करती है कि नहीं करती है बेटा? करती है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो भाई जो क्या नाम है एलपीजी गैस होता है वो जनरली मेरे हिसाब से कितने रुपीज का आता होगा, किसी बच्चे को पता है? सॉरी एक बार फिर से बेटा, हम मेरे हिसाब से शायद 850 रुपीज है ना। चलो हम अपनी तरफ से एक है ना, हाँ ठीक है ठीक है, हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो बेटा, चलो हम लोग हो गए बेटा, सिंस हम लोग अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के अंदर या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर नहीं आते तो हमें एलपीजी बेटा सिलेंडर खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए 850 रुपीज पे करना पड़ता है। बट क्या आपको ये बात पता है जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग होते हैं बेटा उनको यही एलपीजी गैस मे बी 400 या उसके आसपास के रेट पे मिलता होगा क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। बेसिकली हम उसे डिस्काउंट नहीं बोलते बल्कि डिस्काउंट के बजाय क्या बोलते हैं, सब्सिडीज बोलते हैं, ठीक है? सो बेटा गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। सिमिलरली बेटा टैक्स में कंसेशन प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है? अब ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्यों कर रही है बेटा, सो दैट लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर सके। बट ये सारी हेल्प बेटा गवर्नमेंट करती कैसे है? गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारे हैज़ार्डियस प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारे लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा उनपे टैक्सेस को क्या करती है बेटा, इंक्रीज कर देती है। उनपे टैक्सेस को क्या करती है, अरे नहीं समझे, देखो जैसे मान लो अल्कोहल हो गया, ठीक है,
इसके अलावा बेटा आपके टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट इन पे क्या करती है बेटा, इन पे ना टैक्सेस जो है इंक्रीज कर देती है, ठीक है। इन पे अगर टैक्सेस इंक्रीज करेगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रिसीट्स मिलेंगी, मतलब गवर्नमेंट को इन चीजों पे ज्यादा इनकम मिलेगा टैक्सेस इंक्रीज होने की वजह से, और गवर्नमेंट यही एडिशनल इनकम, यानी यही एडिशनल इनकम से क्या करती है बेटा, जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है बेटा, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। बात समझे? ठीक, ओके। दूसरी चीज होती है बेटा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर का जो प्रोडक्शन होता है बेटा वो मे बी हाँ ये होगा कि क्वालिटी वाइज तो अच्छा होता है, लेकिन बेटा उनके प्राइसेस ज्यादा चार्जेस, मतलब उनके प्राइसेस ज्यादा कॉस्टली होंगे। तो बच्चों उस चीज को भी सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली यानी खुद ही प्रोड्यूस करती है। एंड बेटा उस केस में अगर गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है, सिंस गवर्नमेंट का मोटिव ही प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो गवर्नमेंट ना प्रॉफिट चार्ज नहीं करती है, और इसीलिए बेटा वो प्रोडक्ट चीपली अवेलेबल होते हैं किसके लिए बेटा, जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड बेटा गवर्नमेंट री एलोकेशन के लिए दो पॉइंट यूज करती है, पहला पॉइंट टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, और दूसरा पॉइंट होता है बेटा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या सारे बच्चे यहां तक क्लियर हो? एवरीवन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब सिंपल सी चीज है बेटा, इन जो हमारा इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है बेटा, जिसकी वजह से रिच बिकेम मोर रिचर एंड पुअर बिकेम मोर पुअर की जो प्रॉब्लम होती है बेटा, उसको एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, जितने भी लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं या जितने भी हैजार्डियस यानी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे गवर्नमेंट टैक्सेस क्या करेगी, इंक्रीज या रिड्यूस? इंक्रीज। एंड बेटा ये जो टैक्सेस एडिशनल टैक्सेस के मतलब एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से जो इनकम आता है बेटा गवर्नमेंट के पास, जो इनकम आती है गवर्नमेंट उससे क्या करती है बेटा, जो हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, नेसेसरी प्रोडक्ट्स को इधर चीप रेट्स पे अवेलेबल कराती है, ठीक है, या फिर हमारे लिए बेटा कई सारे चीजों पे हमें क्या प्रोवाइड कर देती है, क्या प्रोवाइड करती है दूसरी चीज, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। और उससे क्या होता है बेटा, फिर बैलेंस क्रिएट होने लगता है, क्योंकि हम रिच लोगों से ही इन मतलब रिच लोगों से ही टैक्सेस ज्यादा चार्ज करके पुअर लोगों की हेल्प कर देते हैं। बात समझ में आए? ओके, देन बेटा थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये बेटा, क्योंकि कंट्री के अंदर ना हमेशा इधर इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम रहता है या फिर बेटा डिफ्लेशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम का मतलब ये बेटा कि कंट्री के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है बट उसके उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई बहुत कम है, और डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन कंट्री के अंदर बेटा डिमांड ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना वो अनस्टेबल हो जाती है। तो इसी अनस्टेबिलिटी को इधर रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, कुछ ना कुछ पॉलिसीज, ठीक है, नए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती है अपने बजट के अंदर, और जिससे वो क्या करते हैं बेटा, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, याद है डिमोनेटाइजेशन जब आया था, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन से अगर आप पहले थोड़ा सा देखो, मतलब दो चार महीने पांच महीने पहले देखो, क्या उस टाइम पे बेटा हमारी परचेजिंग पावर काफी हद तक इंक्रीज हो गई थी? मतलब परचेजिंग पावर का मतलब ये बेटा कि उस टाइम पे ना कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई था वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, और उसकी वजह से बेटा जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, वो धीरे धीरे और क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती चली जा रही थी। लोग बेटा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा लोन बोरो कर रहे थे। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा था बेटा, डिमांड एक्सेस होती चली जा रही थी, ठीक है। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप एक बात बताओ,
जब डीमोनिटाइजेशन आया बेटा, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक काफी हद तक हमारी परचेजिंग जो कैपेसिटी थी वो कंट्रोल में आ गई थी, हाँ या ना? अगर आपको इस चीज को बिल्कुल जनरल तरीके से समझना हो, मान लो बेटा आप रोज रोज तो नहीं, खैर आप हर मंथ जा करके मॉल में शॉपिंग करके आते थे, ठीक है? बट सपोज करो अभी डिमोनेटाइजेशन आ गया, आपके पास कैश क्रंच की प्रॉब्लम फेस हो रही है क्योंकि आपके पास पैसे हैं बट कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो उस केस में ऐसा होगा कि आप फिर 1-2 महीने शॉपिंग ना करो, पॉसिबिलिटी है ना? तो उससे क्या होता है बेटा कि कंट्री इसी तरह, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है इसी तरीके से बेटा, जो कई सारे मतलब ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से जो अनस्टेबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। बात समझ में आया? कैसे, पहले ये बताओ। करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में। अब इसके बारे में भी आपको ध्यान से समझेंगे क्या बेटा, मतलब कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट रन करता है, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल क्या चीज, बट कई सारे अभी भी ऐसे हैं, है ना? चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर इसमें भी प्राइवेटाइजेशन आने वाला है, बेटा जब आएगा तब हम एग्जाम्पल चेंज कर देंगे, है ना? बट अगर आप ध्यान से देखो तो इंडियन रेलवे को टोटली गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर रन करता है। अब एक बात बताएं, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर। ओके, अब एक बात बताओ, इंडियन रेलवे को रन करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल यानी फंड्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक है, सो दिस इज व्हाई बेटा गवर्नमेंट को अपने बजट के अंदर पब्लिक इंटरप्राइजेस यानी जो जो इंटरप्राइजेस होते हैं उनको भी मैनेज, उनका भी मैनेजमेंट करना जरूरी होता है कि हम इन पब्लिक इंटरप्राइजेस को रन करने के लिए कहां से फाइनेंशियल फंड्स जनरेट करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर एवरीवन? सारे ये पब्लिक इंटरप्राइज वाला। देख बेटा पब्लिक इंटरप्राइजेस के केस में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जो पब्लिक सेक्टर ही रन करता है, ठीक है? एंड पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, तो यानी पब्लिक सेक्टर वहां पर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाता है, तो उन बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए होते हैं बेटा, पैसे चाहिए होते हैं यानी पैसा एलोकेट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो उन सारी चीजों के लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है बेटा, एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, मैनेजमेंट करके रखना होता है कि हमें हर एक पब्लिक सेक्टर में कितना कितना पैसा एलोकेट करना है सो दैट वो चीजें अच्छे से रन हो सके। बात समझे? ठीक है, सो अगर हम एक एक करके बेटा जरा ये ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, तो जिसे जैसे पूछूंगा सर वो बच्चे जवाब देंगे, ठीक है? कहां तक हो गया था? जैन तक हो गया था। ओके गुंजन, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का? गुंजन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का क्या है? दीपांशु फर्स्ट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट? एक्सप्लेनेशन नहीं बच्चा, एक्सप्लेनेशन नहीं, पॉइंट बता, पॉइंट बता। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। प्रॉपरली कैसे बोलोगे बेटा कि गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर बेटा गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज प्रोवाइड करती है और डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। बात समझे? ओके भव्या, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा गवर्नमेंट का? ओके बाबुल, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओके अग्रिमा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव?
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देन आलिया बचे हुए दो बताओ फटाफट, डिस्पैरिटीज। ठीक है, तो अभी तक हमने कहां तक समझ लिया बेटा, अभी तक हमने समझ लिया फटाफट कहां तक, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस तक समझ लिया। हाँ बोलो जल्दी बोलो, अभी हम आए नहीं वहां तक। अब हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट क्या क्रिएट करे, इकोनॉमिक ग्रोथ करे। जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, ज्यादा से ज्यादा इधर अपने पास सेविंग्स यानी पैसा रिजर्व में रखती है, और इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट और क्या करती है कंट्री के अंदर। एक बढ़िया सा एग्जांपल हो जाए, क्या आप लोगों को ये सुनने में आया बेटा कि हमारी कंट्री अभी आफ्टर दिस पैंडेमिक है ना, बहुत सारे क्या नाम है जगहों पे बेटा ऑक्सीजन पावर प्लांट लगाया जा रहा है, इस बारे में सुना आप लोगों ने। अब एक बात बताओ बेटा, अगर हम नोटिस करें तो क्या गवर्नमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और बेटा इसका मेन बेनिफिट अगर आप ध्यान से देखो तो मेन बेनिफिट ये निकल के आएगा कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले इयर्स में गवर्नमेंट के पास बेटा इन सब चीजों की स्कार्सिटी नहीं होगी, एंड इनफैक्ट हमें बाहर की कंट्री से या कहीं और से वो चीजें मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा हम किसी को सप्लाई यानी एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो बेटा इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स भी करे, मतलब अपने पास हमेशा फंड्स को रिजर्व में रखे, और ज्यादा से ज्यादा बेटा इन्वेस्टमेंट भी करे, जिससे गवर्नमेंट की मतलब जिससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो क्या होगी, राइज होती चली जाएगी। क्लियर? ओके, एंड देन आता है बेटा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब ये बेटा कि सिंस हमारी कंट्री के अंदर जो रिच बिकेम मोर रिचर एंड पुअर बिकेम मोर पुअर का जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत सारा क्रिएट करता है। तो बेटा इसी डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है बेटा, जो हमारा क्या नाम है जो हमारे मतलब ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग होते हैं, या फिर बेटा जो पुअर पीपल होते हैं, या फिर बेटा जो माइनर कैटेगरीज में होते हैं, उनको बेटा गवर्नमेंट अपनी तरफ से मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड करती है, सो दैट ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज यानी जो पार्शियलिटी है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट क्या कर सके बेटा, जितना कम से कम कर सके। क्लियर? ओके, नाउ अब हमें बात करनी बेटा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो जरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं उस पर बिल्कुल फोकस करेंगे अब आप लोग। मैंने आप यस जैसे कहा, अच्छा लेकिन वो आएगा नहीं बेटा, नहीं। ठीक है, ओके, अब एक पॉइंट और है बेटा, जरा फटाफट ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये होगा तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर करता हूं और उसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अभी जब हमने गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन पढ़ा था बेटा तो वहां पर एक चीज आई थी कि एस्टिमेशन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, याद आया कुछ? ओके, अब एक एक करके जरा दोनों चीजें हमें समझनी है, इसलिए ध्यान से फोकस करेंगे बेटा। देखो एस्टिमेशन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, तो क्या क्या रिसीट्स होते हैं एंड क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं हमें वो समझना है। दो टाइप की रिसीट्स होंगी, पहली रिसीट रेवेन्यू रिसीट एंड दूसरे रिसीट का नाम कैपिटल रिसीट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स के होंगे, पहले एक्सपेंडिचर का नाम और दूसरे एक्सपेंडिचर का नाम। ओके, अब छोटी छोटी चीजें वो ध्यान से समझना। रेवेन्यू रिसीट दो टाइप्स के होते हैं बेटा, ठीक है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। जबकि बेटा कैपिटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग से लेकर के ये सारी चीजें आती हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा रेवेन्यू रिसीट के बारे में।
अब एक एक करके ध्यान से सुनना आप लोग बेटा कि रेवेन्यू रिसीट होता क्या है। सी, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स होते हैं बेटा जो गवर्नमेंट को कैसे मिलते हैं बेटा, रेकरिंग नेचर पे मिलते हैं, मतलब रेकरिंग बेसिस पे गवर्नमेंट को ये रिसीट्स यानी ये इनकम मिलती चलती मिलती रहती है। हम इनकम इसलिए नहीं बोलते बेटा क्योंकि गवर्नमेंट इसको एज एन इनकम नहीं, एज एन रिसीट कवर अप करती है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स होते हैं बेटा जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे या रेकरिंग बेसिस पे हमेशा मिलने वाली चीज होती है। और बेटा अगर आप नोटिस करें तो ये वो रिसीट्स होती है बेटा जो इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट मतलब ये वो रिसीट्स होते हैं बेटा जिससे गवर्नमेंट के ऊपर ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एक ब्लैंक स्लाइड और निकालता हूं इसके लिए। कहां गया? रेवेन्यू रिसीट। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा आप लोग। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ना। मान लो बेटा ये कुछ जनरल पब्लिक्स हैं, ये हो गई हमारी गवर्नमेंट, और बेटा ये कुछ और जनरल पब्लिक हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मान लो बेटा एक एक करके समझना आप लोग। मान लो बेटा ये एक पर्सन है जो सैलरी अर्न करता है। ठीक है, या फिर बेटा ये पर्सन बिजनेस रन करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई भी पर्सन सैलरी अर्न कर रहा है और उसकी इनकम बेटा टैक्सेबल इनकम है तो क्या उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? ओके बेटा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे उन्हें कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक, ओके। अब मान लो बेटा ये दोनों लोग जो है ये कुछ भी परचेस करेंगे अगर, ठीक है, ये कुछ भी परचेस करेंगे तो उस पे इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली बेटा सपोज करो ये वाला जो एक पर्सन है थर्ड वाला, इसने ना कोई मतलब कोई रूल ब्रेक किया, लेट्स से रेड लाइट क्रॉस कर दी। ठीक है, अब इसको उस पे बेटा पेनल्टी यानी फाइन पे करना पड़ेगा। हाँ या ना? अब नोटिस करने वाली चीज क्या है बेटा, वो ध्यान से समझना। सो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सारी चीज जब पब्लिक पे करती है तो वो किसके पास जाता है बेटा, वो सारा अमाउंट किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। सिमिलरली बेटा अगर कंज्यूमर यानी कस्टमर जीएसटी पे कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे वो जीएसटी भी किसके पास जाता है बेटा? वो जीएसटी भी किसके पास जाता है बेटा? बचाओ, गवर्नमेंट के पास जाता है। एंड सिमिलरली बेटा अगर ये जो फाइन चलान वगैरह ये सब भी चीजें जो कस्टम मतलब एक जनरल पब्लिक पे करती है वो एक्चुअल में किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। नोटिस करने वाली चीज ये बेटा कि सिंस गवर्नमेंट को ये तीनों चीजें रिसीव हो रही हैं तो गवर्नमेंट के लिए ये तीनों चीजें क्या होंगी बेटा? रिसीट्स होंगी। सिंस इनकम टैक्स हर साल पे करना पड़ता है, प्रॉफिट टैक्स हर साल पे करना पड़ता है, जीएसटी आपको हर टाइम जब जब आप परचेज करोगे तब पे करना है, फाइन वगैरह बेटा जब भी आपने कोई रूल ब्रेक किया तो हमेशा पे करना पड़ेगा। तो सिंस ये रेकरिंग नेचर की रिसीट्स होती है जो गवर्नमेंट को मिलती है, इसीलिए गवर्नमेंट के लिए कैसी रिसीट होगी बेटा? रेवेन्यू रिसीट। अब अगर इसकी लैंग्वेज पे आए बेटा, मैंने क्या लिखा था कि गवर्नमेंट को ये जो रिसीव होती है, ठीक है, इससे गवर्नमेंट के ऊपर ना कोई लाइबिलिटी ना कोई एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी। उसका रीजन समझना बेटा। एक बात बताओ बेटा, गवर्नमेंट ने हमसे जो पैसा लिया, ये जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, फाइन, ये सब चीजें बेटा जो गवर्नमेंट ने लिया, ये सारा पैसा बेटा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करेगा?
बाकी बच्चे है ना, तो आप बिल्कुल बेटा, तो आप नोटिस करो ये चीज, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, पब्लिक का पैसा आया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसी पैसे से बेटा पब्लिक का ही वेलफेयर कर दिया। तो इसीलिए बेटा गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन यानी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, और सिंस गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा नहीं पे कर रहा, हमारे ही पैसों से बाकी पब्लिक का वेलफेयर कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास से कोई एसेट भी कम नहीं हुए। क्लियर? सारे बच्चे क्लियर? ठीक, तो बेटा देखो अब हम आते हैं जरा इसके बाकी फ्लो चार्ट पे। सो रेवेन्यू रिसीट की हमने मीनिंग समझी, दो टाइप के रेवेन्यू रिसीट होते हैं बेटा, एक टैक्स रेवेन्यू एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स के अंदर दो टैक्स होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि नॉन टैक्स में क्या क्या हो सकता है, मान लो बेटा अगर कोई इंसान इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, ठीक है, सॉरी गवर्नमेंट अगर सपोज करो बेटा इंटरेस्ट अर्न कर रही है, कैसे, गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। गवर्नमेंट ने बेटा अपना मतलब कोई उनका कंपनी जो होती है, अगर गवर्नमेंट कंपनी बेटा पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। फीस एंड फाइंस बेटा अगर किसी का मतलब सपोज करो पेनल्टी फाइन चार्जेस चलान ये सब चीजें अगर होता है तो वो भी गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। एंड गिफ्ट एंड ग्रांट अगर गवर्नमेंट को बेटा कोई हेल्प करता है, डोनेशन देता है या किसी भी टाइप का कुछ हेल्प करता है बेटा, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्सेबल इनकम हो जाता है। और ये सारी की सारी इनकम बेटा सिंस रिकरिंग बेसिस पे होती है, इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चे ओके। टैक्स रेवेन्यू एक होता है नॉन डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इंटरेस्ट प्रॉफिट डिविडेंड, इसके अलावा बेटा फाइन पेनल्टीज इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट या ग्रांट मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें नॉन टैक्सेबल इनकम होती है। तो क्या सारे बच्चों का रेवेन्यू रिसीट अच्छे से क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। ओके, अब एक लास्ट चीज और डिस्कस कर लेते हैं बेटा आज की क्लास में, वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक बिजनेस, ठीक है, यानी कॉर्पोरेट डायरेक्टली किसको पे करता है बेटा, गवर्नमेंट को। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं बेटा जो हम पे जरूर करते हैं गवर्नमेंट को, बट हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते। अगर हमने कोई चीज परचेज किया तो पहले हमने वो टैक्स सेलर को पे किया, देन सेलर हमारे बिहाफ पे वो टैक्स किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसीलिए हम इसे कौन सा टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या सारे बच्चे समझ गए? एवरीवन ओके। देन बेटा डायरेक्ट टैक्स ऑफ कोर्स किस पे लगता है बेटा, इधर इंडिविजुअल पे या कंपनी पे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है बेटा, जब आप गुड्स या सर्विसेज मतलब गुड्स खरीदते हो सर्विसेज यूज करते हो तब आपको पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कभी भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि बेटा हमें पे करना तो हमें ही पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है बेटा? ऑफ कोर्स होता है ना। मैं अगर बायर हूं आप सेलर हो, तो मैंने आपको टैक्स पे किया, सपोज करो आपने होलसेलर से खरीदा तो आपने होलसेलर को टैक्स दिया, देन होलसेलर बेटा गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो यहां पर जो टैक्स का ऑब्लिगेशन होता है वो शिफ्ट हो सकता है। क्लियर? ओके, देन बच्चे उसके बाद आता है नेचर, ठीक है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है बेटा। प्रोग्रेसिव नेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आप मतलब जितना ज्यादा इनकम या फिर जितना ज्यादा प्रॉफिट ये सब चीजें अर्न करोगे आपको उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना है, तो प्रोग्रेसिव नेचर है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बेटा प्रपोर्शनेट नेचर का होता है,
आप जिस टाइप का गुड्स या जिस टाइप का सर्विसेज लोगे उसके अकॉर्डिंगली, किसी पे 5% का जीएसटी, किसी पे 12% का, किसी पे 18 का, किसी पे उससे ज्यादा. सो डिपेंडिंग अपॉन दी क्या नाम है, प्रपोर्शन ऑफ योर परचेजेस, उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्सेस पे करना होता है. तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स बेटा प्रपोर्शनेट नेचर का होता है. यहां तक सारे बच्चे क्लियर हो? एवरीवन क्लियर? ओके. देन बेटा कवरेज, सिंस डायरेक्ट टैक्स बेटा हर कोई नहीं पे करता. भाई आप लोग हो गए, अगर सिंस अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अर्न नहीं करते हो, तो क्या आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स पे करना है? नहीं पे करना है. लेकिन बेटा एक बात बताओ, आप लोग जब भी कुछ परचेज करते होगे जीएसटी के साथ साथ अमाउंट पे करते होगे, है ना? क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो उस पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस. तो यानी इसका मतलब ये है बेटा कि डायरेक्ट टैक्स का एक लिमिटेड रीच है. जो लोग अर्न करते हैं और जिनकी इनकम टैक्सेबल इनकम के अंदर आती है, सिर्फ वही लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं. लेकिन सिंस इनडायरेक्ट टैक्स बेटा एक छोटे से छोटा बच्चा भी खरीदता है कुछ ना कुछ, और बड़े से बड़ा इंसान भी खरीदता है बेटा, तो उसको हर टाइम जो जितने लोग परचेज करेंगे बेटा, जितने लोग बायर्स हैं, हर एक बायर को टैक्सेस पे करना ही करना है. सो दिस इज व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स का वाइड कवरेज है. पहले बताओ क्लियर?